हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। गन्ना में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? अपस्थानिक जड़ पाई जाती है गन्ने में, अपस्थानिक जड़। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार। प्रशीतक की वाष्पक कुंडली में क्या भरा हुआ रहता है? द्रव प्रियान भरा रहता है, द्रव प्रियान। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का स्मरण दिवस। शनि के उपग्रह टाइटन का रंग कैसा है? नारंगी है शनि के उपग्रह टाइटन का रंग। किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को यह शक्ति है। पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रति आकर्षण क्या कहलाता है? हीलियोट्रोपिज्म कहलाता है। हीलियोट्रोपिज्म सूर्य के प्रकाश के प्रति आकर्षण पौधों द्वारा। ब्रिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी इस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ब्रिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर को राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया जाता है। अलास्का के किस पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं? कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों में सर्वाधिक पदक किसने जीता? गगन नारंग ने वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों में सर्वाधिक पदक जीता। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक भार है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में। किस वायसराय के कार्यकाल में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर 2020 को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।